वंदे मातरम साथियों, शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। आज आपको बताने जा रही हूँ सोलमेट रेकी के बारे में। सोलमेट रेकी क्या होती है और सोलमेट रेकी से आप क्या क्या कर सकते हैं। साथियों, जो लोग रेकी सीखते हैं ना, अभी उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि रेकी क्या, मनी रेकी क्या, सोलमेट रेकी क्या और एक्स वाई जेड और रेकी क्या। एक्चुअली ये सभी जो रेकी है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। उसी रेकी अलग है, क्वालिफायर रेकी अलग है, सोलमेट रेकी पूरी तरह से अलग है। तो आज आपको बताने जा रही हूँ सोलमेट रेकी के बारे में। सोलमेट रेकी सीखने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको उसी रेकी आती हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने कोई और क्वालिफायर रेकी सीखा हो, कुछ नहीं। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये सारी अलग अलग कोर्सेस है, अलग अलग एनर्जीज है। आप भले ही क्वालिफायर नहीं किए, आप सोलमेट रेकी सीख सकते हो। आपने भले ही सोलमेट रेकी नहीं सीखी है, आप उसी रेकी सीख सकते हो। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं ये, जो आप सीखकर उनसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोलमेट रेकी की। सोलमेट रेकी क्या है? एक ऐसी एनर्जी है जो आपके हार्ट चक्रा पे काम करती है। अब सोच लीजिए हार्ट चक्रा के क्या क्या काम हो। जो लोग रेकी में है वो सब जानते हैं, हार्ट चक्रा हमारा काम करता है लव पे, रिलेशनशिप पे, हमारे इमोशंस पे, हमारी इमोशनल फीलिंग्स पे। तो सोलमेट रेकी क्या करेगी? लव पे काम करेगी, रिलेशंस पे काम करेगी, आपकी इनर हिडन फीलिंग्स पे काम करेगी। ऐसी रेकी है सोलमेट रेकी। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसमें एक ही लेवल होता है। इसमें आप हीलिंग करना अपनी सीखते हैं, साथ ही कैसे आप दूसरों को अट्यून कर सकते हैं वो भी आप इसी लेवल में सीखते हैं। सोलमेट रेकी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको इसका अट्यूनमेंट लेना होगा। अट्यूनमेंट रिसीव करके जब आपको एनर्जी रिसीव हो जाएगी, फिर आप रोज अपनी इस एनर्जी से हीलिंग करेंगे। किस किस चीज में आप इस चीज की, इस हीलिंग को कर सकते हैं? अगर कि आपकी शादी नहीं हुई, अगर कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से लव मैरिज करना चाहते हैं, तो सोलमेट रेकी सबसे पहले यूज होती है शादी के लिए। यानी कि अपना सोलमेट अगर अब तक आप मिल नहीं पाए हैं, ढूंढ रहे हैं अपने सोलमेट को, तो सोलमेट रेकी से अपनी हीलिंग करिए, आप भी अपने सोलमेट से मिल पाएंगे। यानी कि सोलमेट रेकी आपको सोलमेट से मिलाने में मदद करती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे वो लव मैरिज हो। किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर आप करना चाहते हैं, तब भी आप सोलमेट रेकी से हीलिंग करके लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका पहला यूज। दूसरा, अगर कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं, तो रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए भी आप सोलमेट रेकी को यूज कर सकते हैं। सोलमेट रेकी केवल रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए ही नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप को, अपना किसी के साथ भी आपको रिश्ता अच्छा करना है, तो आप सोलमेट रेकी से हीलिंग करके अपने रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो साथियों, ये है दो चीजें, खास तौर पे दो चीजें। इसके अलावा भी रिलेशंस को, फीलिंग्स को, हर चीज को हील करने का काम, अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसा दुख छुपा हुआ है, फीलिंग्स को लेकर आपका ब्रेकअप हो गया, उन चीजों को भी रिलीज करने का काम करती है सोलमेट रेकी। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, तब भी आप सोलमेट रेकी से हीलिंग करके उनको वापस बुला सकते हैं, क्योंकि वो आपका लव रिलेशन को हील करती है ये एनर्जी। तो साथियों, ऐसी होती है सोलमेट रेकी। सोलमेट रेकी में एक ही लेवल होता है, बहुत ही अच्छा प्यारा पावरफुल कोर्स है। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ना, तो न सिर्फ इस जहां के रिश्तों को हम अच्छा करते हैं, बल्कि अनकंडीशनल लव को भी हम फील करने लगते हैं, रिसीव करने लगते हैं। यानी यूनिवर्सल जो लव है ना, एंजेलिक जो लव है ना, ब्लेसिंग्स, उसको भी हम फील करने लगते हैं। तो इस तरह से होती है सोलमेट रेकी। आप लोग अगर सीखना चाहें तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं सोलमेट रेकी भी सिखाती हूँ। कुछ भी अगर सोलमेट रेकी से रिलेटेड आपकी क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।